सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन वंस मोर इन म्यूजिकल माइंड्स। हमारा जो सैटरडे का शो है अब वो फ्राइडे को मूव हो चुका है और ये फ्राइडे को ही फिक्स रहेगा। इट विल बी फिक्स्ड ऑन फ्राइडे। एवरी फ्राइडे वी विल कम विद सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड थीम्स एंड डिफरेंट ऑप्शंस। आज का शो है हमारा फ्री हाउस। इसमें कोई टॉपिक नहीं है, थीम नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश और अपने मर्जी के गाने गा सकते हैं, हिंदी गाने गा सकते हैं, किसी को मराठी या गुजराती गाना है तो गा सकते हैं। एवरी पार्टिसिपेंट विल सिंग वन सॉन्ग। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हॉस्ट हमारी स्नेह जी सिंगर्स को बुलाएंगी एक के बाद एक लिस्ट के हिसाब से। प्रोग्राम की शुरुआत जिस तरह हम म्यूजिकल माइंड हमेशा मेरे गाने से करते हैं, तो हम मेरे गाने से इसकी शुरुआत करेंगे। मैं एक हिंदी गाना लेके आया हूँ आज आपके लिए। सोनू निगम की आवाज़ है और बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है संघर्ष फिल्म का। कोशिश करूँगा इसको मैं निभाऊँ। इस बार हमारा जो गाना है वो थोड़ा सा सैड नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं मैं हमेशा सैड गाने गाता हूँ, इसलिए मैंने आज इस बार लव सॉन्ग लेके आया है। होप यू विल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। खुली
कभी गौर से मेरी आँखों में देखो, मेरी जा तुम्हारा ही चेहरा छुपा है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे तुम्हारी खता है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड इनवाइट भरत भाई टू गिव कमेंट्स ऑन हिज सॉन्ग व्हाइल आई गेट माय शायरी रेडी. उजी जी, आपने ये गाना बहुत अच्छा निभाया. आपका म्यूजिक आवाज भी काफी म्यूजिक ओरिजिनल जैसा लगा, तो वेरी नाइस सिंगिंग. थैंक यू सो मच भरत भाई, मैच कर रहा था, मतलब मेरा आवाज सुनो निगम से मैच करता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था. थैंक यू भरत भाई. या वेरी वेल संग उजी जी, तो आपके गाने का जवाब ये है कि दिल की बात छुपाना आता नहीं, किसी का दिल दुखाना आता नहीं, आप सोचते हैं हम भूल गए आपको, पर कुछ अच्छे दोस्त दोस्तों को भुलाना हमको आता नहीं. क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब. शायरा जी, आपका क्या, आपकी क्या दाद दूं मैं, आपके शेर तो वैसे ही दिलों को छू लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन और मेरे गाने के बाद में ये अच्छी शायरी. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं. आज का हमारा जो शो है वो है अलग अलग लैंग्वेज में गाने गाना. मोस्टली जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे दो लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अगर किसी और को कोई और लैंग्वेज में गाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप आ सकते हैं, गा सकते हैं. आने वाले सिंगर को स्नेही जी बुलाएगी. प्लीज स्नेही जी, कॉल द अपकमिंग सिंगर. ओके, आई विल इनवाइट संतोष जी एज ही हैज टू लीव अर्ली, तो आप आइए संतोष जी. Thank you very much, Sneji. Santosh ji is from Germany, and since our theme is a regional theme, I will tell you all where all the singers are coming from, and this platform is really special. Musical Minds invites people from all over the world to sing with us, and we have a variety of people coming from different continents, so we always have fun together over here. So welcome Santosh ji. Thank you very much. Thank you. So ek ye nayi koshish hai, so love me tender, please enjoy. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there
that I belong, and we will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I will be yours throughout all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. That was beautiful, Santoshji. Wow, what? Thank you. Thank you. We were all lost. And here's something in reply to the song. I can't see you without feeling wonder. I can't hold you without feeling safe. But most of all, I can't exist without you in my life. वंडरफुल, क्या बात है स्नेह जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल पोएम. संतोषी जी, एक बात कहना चाहूँगा, यू हैव सैंग इट सो नाइसली, आई वॉज लिसनिंग टू इट वेरी केयरफुली. हमारी जो हिंदी गाने होते हैं, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो पाश्चात्य संगीत है, उससे थोड़ा सा अलग है. और आप जो गा रहे हैं, जिस तरीके का विब्राटो चाहिए इंग्लिश सिंगिंग के लिए, वो आपके वॉइस में था. बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं वही कोशिश कर रहा था सुनने के लिए कि आपके हिंदी गानों के अंदर इसमें कितना अंतर होता है, आप उसको निभा पाते हैं कि नहीं. वंडरफुली सॉन्ग आपने गाया, बहुत अच्छी तरीके से उसको रेंडर किया. नाइस सिंगिंग, वी हैव रियली एंजॉयड इट थरली. थैंक यू सो मच संतोषी जी. आपके सिंगिंग के बाद में मैं गायत्री जी को वेलकम करना चाहता हूँ. स्नेह की सिस्टर, स्नेह जी की सिस्टर हमारे साथ हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं है. रात का टाइम है, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है इंडिया से. इट्स आई थिंक मोर देन मिडनाइट इन इंडिया नाउ. सो गायत्री जी, वेलकम, एंजॉय अवर शो, थैंक्स फॉर कमिंग. आगे बढ़ते हैं. हाय. So, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं हमारी स्नेह मैडम. आगे वाले आने वाले सिंगर. Before we proceed, I would like to mention here that Santoshji, you've added an additional step to the level of our program where it's going, and you really sang it so wonderfully. I can't get over it still, and I hope everybody else agrees with us. And yes, we need to better ourselves day by day. And I'm seeing that happening slowly in our musical minds as well. Thank you so much. And next, I would like to invite Bhupinder ji. Papa ji, aap hain yahan pe? Bhupinder ji aaye nahi hai mere khayal se abhi tak. We can go forward and we will call him when he comes. Okay. So next, we'll invite Suman ji. Suman Seth, please. आइए, आपका गाने का वक्त हो चला है. और बिफोर सुमन जी स्टार्ट सिंगिंग, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अलोंग विद स्ने. वी हैव कम अप विद सम एप्रिसिएशन अवार्ड्स इन म्यूजिकल माइंड्स, व्हिच इज गोइंग टू हैपन सून. एवरी मंथ इट विल बी हैपन इन अवर शो. पूरे महीने के शो में जितने भी हमारे एपिसोड होंगे, एवरी वीक we will see all the participants who are joining our show. And हर महीने एक या दो या तीन पार्टनर को, तीन पार्टिसिपेंट्स को चूज किया जाएगा एज एन एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम म्यूजिकल माइंड. इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि किसी को दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा. हर किसी को मिलेगा, लेकिन डिपेंड्स करता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी अवेयरनेस और उनकी प्रेजेंस इन अवर शो, एन एडिशन टू अवर शो एज एन वेल विशर एंड एज एन सपोर्ट.
आप सभी सिंगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के बिना शो नहीं है, तो हर सिंगर को अप्रिशिएट किया जाएगा बट इन स्लो ट्रैक इन मोमेंट एवरी मंथ के हिसाब से। तो अवार्ड्स में आपको ट्रॉफीज दी जाएंगी म्यूजिकल माइंड्स की, जो सिंगिंग ट्रॉफीज होंगी, इट वुड बी ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल विनर्स। तो कोई ट्रॉफी के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि कंसोलेशन प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है, या सेकेंड प्राइज है, या थर्ड प्राइज है। ऑल प्राइज आर फर्स्ट प्राइज, वी ऑल आर विनर्स। सो हुएवर आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस शो, अटेम्प्ट करना, पार्टिसिपेट करना, चाहे गाना किस तरह भी गाएं आप, दैट इज वॉट इट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वॉट वी आर एनकरेजिंग इन अवर शो। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, इट विल बी अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एवरी मंथ इट विल बी गिवन टू यू एंड आई अनाउंस अलॉन्ग विद स्नेह। स्नेह जी, कैन यू प्लीज? Yeah, like Vijay said, but getting those trophies across to people is going to be a challenge. I might travel maybe twice or thrice a year, and as if there's somebody from UK or Netherlands, I can bring the trophies over. But we will definitely share certificates virtually, and अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट। अनिल जी प्लीज आइए। ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग का। थैंक आज से स्टार्ट हो रहा है। यू। सो आई थिंक वी शुड यू नो अपॉइंट अ जज हु विल अ नॉन बायस्ड जज, समबडी हु और मे बी उजी जी। वी विल डिसाइड दैट ऑन अवर नेक्स्ट शो। वी जस्ट हैव टू गिव इट मोर थॉट एंड सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। या दैट्स अबाउट इट। इट्स जस्ट स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ एन आइडिया एंड आई ये होप वी कैन फॉलो अप। सिर्फ एप्रिसिएशन है हम सभी सिंगरों के लिए, टू प्रमोट यू, टू एनकरेज यू टू गो हाँ अहेड। राइट यस, देर इज नो कॉम्पिटिशन, कोई हारने वाला नहीं है, कोई जीतने वाला नहीं। सभी को ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन हर महीने में, पूरे महीने के बाद में एनालाइज करके लाइन बाय लाइन मिलेगी, जिस बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। जब वो ट्रॉफीज उनके घर जाएगी, वो अपने टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाएंगे और उस वीडियोस के ऊपर हम बहुत सारे प्रोमोशनल वीडियोस और ट्रेलर्स बनाएंगे हमारे म्यूजिकल माइंड्स के लिए। तो सुमन जी, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आइए आप अपना गाना पेश करिए। आई थिंक सविता जी वॉन्टेड टू से समथिंग। शी वॉज रेजिंग हर हैंड। सविता जी बोलिए, क्या बोलना है, फिर हम लोग सुमन जी। ना मैं बोल रही थी कि हम लोग होलीडे पर गए हुए तो कैसे काउंटिंग करेंगे आप रोज। एवरी अगर आप होली वीक वी आर कमिंग बट व्हेन वी आर ऑन होलीडे वी कांट मेक इट, इजंट इट? ओके ये प्रोग्राम सिर्फ एक महीने के लिए नहीं चलेगा, ये चलता रहेगा, तो आप फिक्र चलता मत। रहेगा। ओके या दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so I'm going to start. अब चल दे मुझे मोरे सजना, मेरी यार शब है, मेरी यार शब है, ओ मेरी यार शब है, मेरी यार शब है। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल के दिल से, मेरी यार शब है, मेरी यार शब है, ओ मेरी यार शब है, मेरी यार शब है। बदला दे क्या करूं मैं, याद आएगी
सुमन जी बहुत अच्छी तरीके से गाया आपने, क्या बात है। ये रफी साहब का गाना है और बहुत ही फास्ट गाना है, इसको सांस इसमें बहुत कम मिलती है गाने के लिए। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत होती है इसके अंदर। अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करती तो आई एम श्योर इट वुड बी 100%, बट इट्स स्टिल नॉट बैड, इट इज़ अराउंड अप टू द मार्क। सो बहुत अच्छा लगा, एंथुजियास्टिक थी आप, खुश थी, एंजॉय कर रही थी गाने को, हम भी एंजॉय कर रहे थे, वंडरफुल सिंगिंग। देखते हैं आपके बारे में, इस गाने के बारे में स्नेह जी के पास क्या शायरी है, और मैं सुषमा जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी भी शायरी रेडी रखें, क्योंकि हमारे साथ सुषमा जी शायरा हैं और वो भी अच्छी शायरी करती हैं। कुछ अजीब है ये दुनिया, कुछ अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कमाल है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो झूठ बोलते रहिए, झूठ बोलते रहिए, सच बोला। सुषमा जी, जो झूठ बोलने वाली बात यहाँ पर चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए। मेरे ख्याल तो सच बात है, जो स्नेह ने बोली है, जो झूठ बोलते हैं ये भी झूठ बोल रही है, ये भी रॉन्ग नंबर है। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, ये सच्ची बात है। जो झूठ बोलते हैं ना, एक दिन पकड़े जाते हैं, उसका एंड बहुत बुरा होता है। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, पर पकड़े जाते हैं एक ना एक दिन। अच्छा, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सुषमा जी जो है, हमारी पार्टिसिपेंट्स, ये एक शायरा हैं और ये पोएम्स लिखती हैं, शायरी लिखती हैं, इनकी बुक्स भी पब्लिश होने वाली है सून। दे हैव अ ग्रुप ऑफ लेडीज़, आई थिंक दे आर डूइंग शायरी। हमारे में ऐसे कई लोग हैं जिनमें अपनी अपनी कलाकारी हैं, जो अपने अपने टैलेंट रखते हैं। मैं इन सब पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कलाकारी, अपने टैलेंट, या आप में कोई ऐसा हुनर हो, या कोई ऐसा पैशन हो, या आपका कोई ड्रीम हो जो आपने कभी सोचा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती थी या करना चाहती हूँ,
प्लीज़ आप शेयर करें, हमारे म्यूजिकल माइंड्स के प्रोग्राम के थ्रू भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। माई सेल्फ पर्सनली आई एम हेल्पिंग पीपल टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू एज एन फाउंडर ऑफ एन एनजीओ। तो हमारे एनजीओ का मोटो ही यही है कि वी हेल्प पीपल टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, फुलफिल देयर ड्रीम्स, एंड वी विल सी वॉट वी कैन डू फॉर यू ऑल पीपल। वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस इन फ्यूचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू, शेयर योर व्यूज, आइडियाज, योर टैलेंट्स, पैशन, ड्रीम्स, एंथुजियाज्म, जो भी आपने कभी कुछ सोचा होगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा। वी वुड लव टू हेल्प यू पीपल आउट एंड वी विल सी वॉट वी कैन डू टुगेदर अलॉन्ग विद म्यूजिकल माइंड्स, एंड मी एंड स्नेह विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू इन दैट। थैंक यू सो मच सुषमा जी। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं हम। संतोष जी कुछ कहना चाहते हैं। संतोष जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार, सॉरी मैं सुमन जी के लिए सिर्फ दो लफ्ज कहना चाहता हूँ। कहते कि भी आपने कहा था कि थोड़ा झूठ बोलना चाहिए और झूठ बोलने से सारे काम हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा अच्छा है। झूठ होने बोलने के लिए आदमी को बिशर्म होना पड़ता है, तो इसलिए पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, मोहब्बत बेशर्म है जनाब, बेहिसाब होती जा रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह। चलिए, हमारे में कोई एक बेशरम शायर भी है और आशिक भी है। शायद हम सब ऐसे ही बनना चाहिए। थैंक यू संतोष जी, इट वाज नाइस शायरी एंड आल्सो अ सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाएंगे हमारी स्नेह जी। स्नेह जी प्लीज कॉल द अपकमिंग सिंगर। So let's invite Shaila ji next. शैला जी आ भी जाओ, तुम्हारी बारी आ भी गई। अभी गेवारो मारो। पता पता नहीं नहीं आप आप सबको सबको दिखाई दिखाई देगा देगा या या नहीं, नहीं, मेरे मेरे स्क्रीन स्क्रीन पर पर वो क्रोम क्रोम काम क्रोम की काम की साइन साइन आ आ रही रही है है बीच 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 में। अरे यार यहाँ पे दिख रही है। हाँ पता मैं नहीं ऐसा क्यों होता है, आपका इंटरनेट का भी अभी प्रॉब्लम था शायद इसी वजह से। बताता हूँ, अभी आप गाना गाइए, मैं आपको बताऊंगा। आपका बैकग्राउंड जो इफेक्ट है स्क्रीन सेवर वो ऑन है, तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर। इतना ही डिस्टर्ब कोई कर रहा है, बात आप गा सकती हैं, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं। जो गुजर गई
वंडरफुल शैला जी, क्या बात है। मतलब गाने का ठहराव, उन नोट्स को निभाना, हाई पिच से फिर लो पिच पे आना, ये गाने के अंदर इतने उतार चढ़ाव है। और एक गाने वाले सिंगर में भी उतना ठहराव होना चाहिए, क्योंकि गाना जहाँ पर एंड होता है, जो वर्सेस एंड होती है, वर्सेस के एंड में तान को ख़त्म करना नहीं है, उसको खींचना है। तो जिस तरीके से आपने इन नोट्स को निभाया, लो पिच, हाई पिच और हाई नोट्स को, आपने एक एक नोट्स हिट की। मैं गिन रहा था कहाँ आप मिस कर जाओगी, कहीं कहीं तान ज़्यादा हो जाती है, सांस कम पड़ जाती है, लेकिन आपने फिर भी उसको खींचने की कोशिश की। आज का ये आपका परफॉर्मेंस सुनने के बाद, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी तक आपके जितने भी परफॉर्मेंस है उसमें से मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा हैवी और हार्ड हिटेड परफॉर्मेंस है। वंडरफुली रेंडर्ड 100%। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे यू सिंग दिस सॉन्ग स्पेशली। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। Means a Truly, lot. I agree with Uzi ji. This was one of your top class performance, and it suited your voice and your mood and your character. It's your song. So here's something for you. याद आएगी हर रोज, मगर तुझे आवाज न दूंगा। तेरे लिए होगी हर गजल हर शायरी, लेकिन तेरा नाम न लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये जी आपके शेर तो एक जान डाल देते हैं प्रोग्राम में। आप शायरा छुपी हुई थी ये मुझे नहीं पता था, आज थैंक यू सो कॉलर नहीं है, आज कॉलर नहीं मच। है। मैं 1 मिनट के लिए अनिल प्रभाकर जी को बुलाना चाहूँगा इस गाने के बारे में राय लेने के लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत ही आदरणीय शख्स हैं, हमारे साथ में ग्रुप बड़े महान सिंगरों के साथ में, हस्तियों के साथ में ये रह चुके हैं, इनकी ज़िंदगी गुजरी है। और जब ये कुछ बोलते हैं उसके पीछे रीज़न होता है, वो रीज़न इसलिए होता है क्योंकि ये परखते हैं, गानों को सुनते हैं और उनको पता है कि कौन बंदा किस गाने को किस हद तक कितना सही निभाता है। प्रभाकर जी प्लीज़, आप इस गाने के बारे में शैला जी के क्या कहना चाहेंगे? शैला जी ने इस गाने को बहुत ही अच्छा निभाया है, पहले तो ये मैं कहूंगा। दूसरा ये कहूंगा कि जिसका गाना उन्होंने गाया है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, भूपेंद्र सिंह। क्या बात है, और जब भी कलकत्ता आता था या मैं बॉम्बे होता था तो मेरे से मतलब फैमिली रिलेशन था वो, और वाह, उसकी वाइफ जो है वो बंगाली है, अच्छा, और वो संगीत की ग्रामर जो है उससे अच्छी और कोई नहीं जानता। लेकिन उसमें वाह, एक प्रॉब्लम था, वो किसी को तेल नहीं लगाता था इस इंडस्ट्री में। अच्छा, उसका इसीलिए आर डी बर्मन उसका बेस्ट फ्रेंड था, और आर डी बर्मन के साथ ही उसने सारे गानों में गिटार बजाई हुई है। बट ही वॉज वाह। ए वेरी वेरी गुड सिंगर, आई नो, आई अप्रिशिएट भूपेंद्र सिंह, बिकॉज भूपेंद्र सिंह के कुछ मुद्दे लेकिन मुझे, वो किसी को तेल नहीं लगाता था। मैं समझ गया, दैट इज गुड। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। एंड जान के बहुत खुशी हुई कि जिस सिंगर ने ये गाना गाया है उस सिंगर के आप साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। तो मैंने सही किया आपको बुला के, हक बनता है आपका इसके बारे में बोलने के लिए। मैं आगे बढ़, उसकी और उसके वाइफ की फोटो आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आगे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे शो को आगे ले जाते हैं। हमारे पास बहुत महान महान हस्तियां हमारे साथ हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी कुछ कम नहीं है, उनको भी बहुत नॉलेज है, कई लोग कई हस्तियों के साथ रह चुके हैं, धीरे धीरे जानेंगे पहचानेंगे, हम एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ गाना गाना और चले जाना ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है गाना और एक दूसरे को जानना, और वाइब्रेशंस पॉजिटिव स्प्रेड करना, मेक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ब्रिंग गुडनेस एंड प्रॉस्परसनेस इन आवर लाइफ। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में एक और हस्ती हैं, बहुत ही ऊंची हस्ती है, क्लासिकल सिंगर हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आने वाले सिंगर को बुलाएंगे हमारी स्नेह जी, फिर हम इनसे भी आपका इंट्रोड्यूस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। We will call Mangla ji next. She has traveled from one place to the other and looks very rejuvenated. So let's invite our younger version of Mangla ji. मंगला जी आइए, Thank आपको पूरी बारी आली आली रे आली। you, जी। तुम्हें मेरी पूजा,
हो तुम्हें देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की दिल मिल, तुम्हें मेरे हाथों के गजरों की मंदिर, तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की दिल मिल, तुम्हें मेरे हाथों के गजरों की मंदिर। मैं हूँ एक छोटी सी माथे की गुड़िया, तुम्हें प्राण मेरे, तुम्हें आत्मा हो। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें
देवता हो। थैंक यू। डायलॉग तुम्हें छान डायलॉग अवला माला सॉरी आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छी सिंगिंग थी। थैंक यू। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है मंगला जी। इसका स्पेशली जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, ये पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस इज़ अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से गाया। देखिए जब आप गाने गाते हैं तो आपके अंदर जो वाइब्रेशनल चेंजेस होती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी जो चेंज होती है बॉडी की, वो आपके माइंड नर्व सिस्टम बॉडी के जो रोम्स होते हैं, हमारे रोम रोम को शांत करती है, काम करती है, एक पीस ऑफ माइंड आता है। चाहे आप कितने भी टायर्ड हो, थके हुए हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन में हो, म्यूज़िक विल ऑलवेज हेल्प अस एंड इट विल ऑलवेज हेल्प अस इन गेटिंग हायर वाइब्रेशन एंड फील बेटर। थैंक यू सो मच मंगला जी, आपके लिए स्नेह जी क्या शेर लाती हैं, सुनते हैं। बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मेरा शायद पहले थोड़ा ठीक होता था, अभी एज के हिसाब से मालूम नहीं। आई एम नाउ 84। कोई बात नहीं, आपकी एज इज जस्ट अ नंबर, आप अंदर से बहुत यंग हैं। नहीं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ये हो गया, मतलब थोड़ा फर्क पड़ गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी मंगला जी। थैंक यू सो मच स्नेह जी, आपके बारे में क्या कहती हैं, सुनते हैं। थैंक यू। योरसेल्फ स्नेह मंगला जी आपके लिए, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा गाया। आप देख रही थी कि खांसी आ रही है, कोई कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है या क्या, बट यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, इट्स जस्ट नेचुरल एंड नॉर्मल टू, सो जस्ट कॉन्फिडेंटली रेंडर योर सॉन्ग एंड दैट शुड बी इट। बना लो उसे अपना, आपके लिए है, बना लो उसे अपना जो दिल से तुम्हें चाहता है। खुदा की कसम ये चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है मंगला जी, हम भी आपको चाहते हैं तो हम भी आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक हस्ती से मिलाना चाहता हूँ आप सभी को, जो हमारे साथ हैं। माँ सरस्वती है हमारे साथ में, जो कि गॉडेस ऑफ हिंदू गॉडेस बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है। ऐसे कोई गॉडेस नहीं होता या कोई रियल लिटरल वे में इसको नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सही ज्ञान भी दूंगा और उससे मिलती जुलती जो हमारी धारणाएं हैं, जो नॉलेज है, उसको क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। मंगला जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। ऐसी शख्सियत हमारी जो होती है, जिनको सुरों का नॉलेज होता है, गानों का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, सीखे हुए मंजे हुए कलाकार होते हैं, वो माँ सरस्वती के अवतार होते हैं। माँ सरस्वती मतलब गॉडेस ऑफ म्यूजिक क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। तो स्वास्तिका जी हमारे बीच हैं, जो क्लासिकल सिंगर हैं, और जब ये गाती हैं इनके सुर, इनकी क्लासिकल गायकी दिलों को छू जाती है। सीनियर सिटीजन है हमारे साथ में, रिस्पेक्टेबल पर्सन है स्वास्तिका जी। जब मैं गाना गाता हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अब वो जब एंजॉय करती है मेरे गाने को, तब मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं ठीक ठाक गा रहा हूँ। अगर स्वास्तिका जी ने थोड़ा सा भी रिएक्शन चेंज कर दिया फेस का, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यार कहाँ गलती हो रही है मेरी। She's always smiling. She's a sweet person. So next time, Swastika ji, next time ye galti kare to aise dekhna isko. No, no, I was glued. No, I didn't do anything. I'm not in that position. I'm not that good that I can do that. No. But you are good. I love your singing, classical singing. I would advise you to introduce a little bit to us, and we should know more about all of us slowly and gradually. Please, Swastika ji, introduce yourself. Okay. Hi. My name is Swastika Gupta, and I'm from originally from Kolkata, and I came here in 1975. And I have got 4 grandchildren, and I'm just 70 years old. And I have learned a lot of different genres. First, I learned classical, and still I'm learning. And then I learned Tagore song, our Nobel laureate Tagore. And then I learned another very famous Bengali poet from Bangladesh, Nazrul. So I do Nazrul song as well. And then teacher was Ratna Ghosh,
and another one, he passed away, Sheetal Mukherjee. He taught me ghazal, bhajan, and geet. So I am into music just like you, Uziji. I'm just always, it just heals me for everything. It's an escapism. I just escape to music to heal myself. We are glad to have you here. We are very happy to have a person like you with us. And, thank you. I was just saying, because I respect the people who are learned, who have education in music. Maine kabhi music sikhi nahi. I have never learned it. It just came by birth with me. बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था, म्यूज़िक में झूमता था, और जो भी गाता हूँ दिल से गाता हूँ. नेवर एवर इवन रिया सारे गामा, ये भी नहीं मैंने कभी किया. तो जो जो मेरे गाने हैं वो मेरे दिल से निकले हुए गाने हैं. जिस तरह निभाने की कोशिश करता हूँ, दिल की आवाज बाहर निकाल देता हूँ, इमोशंस, फीलिंग्स. बट यू आर वेरी गुड. यू आर सो, योर वॉइस इज वेरी क्लोज टू सनू निगम एंड ही इज माय मोस्ट फेवरेट वन, यू नो. And I forgot to tell you, I was a teacher here. Now wow. I've done 20 years of teaching, and now I'm just retired. Thank you. That's so much. So हमारे साथ में माँ सरस्वती भी है. देखिए ऐसे कई हमारे साथ में जो दिग्गज हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलने के कारण हमको नहीं पता चलता है कि कौन इंसान क्या है, उसकी क्या शख्सियत है, और उसके अंदर क्या हुनर है, और वो एक वरदान है हमारे लिए. तो होना चाहिए पता हम सबको एक दूसरे से, जब हम एक साथ में एक सुर में गाते हैं. मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो मैंने बनाया वो इसीलिए बनाया ताकि हम सभी के सुर एक साथ मिले. चाहे हम जैसा भी गाएँ, सुर के साथी हैं, और जो सुर का दीवाना है वो एक दूसरे का दीवाना होता है. तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में स्नेह जी हमारे आने वाले सिंगर को बुलाएंगी और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. अनम्यूट योरसेल्फ स्नेह. स्वास्तिका जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज. सिंस स्वास्तिका जी इज ऑन द स्क्रीन ऑलरेडी, आई वुड लाइक टू इनवाइट हर टू प्रेजेंट अ सॉन्ग एंड देन शी कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द शो. ओके स्वास्तिका जी, प्लीज कम. Okay, but today, I mean tonight, I'm singing an English song, and this is the first attempt, so I'm not sure, but I like ABBA songs. I grew up with it, so I try to sing I Have a Dream. Lovely. Wow,
what a melodious song. Oh my God, Saraswati ji, it's a combination. Well, this is my first attempt, you know. I was really a little bit nervous, but that's... No problem. Anyway. I can say you something. I also listen to English song, and I also sing many English songs. And this kind of songs, which are on slow pace, are very close to my heart. And the way you have rendered it wonderfully, it's a combination of Western music and Indian instrument together, and it was a very good combination. I have a small request, Swastika ji, if you can allow me to. Next time I would love to listen from you John Lennon's English song Imagine on karaoke music, if you can. Yes, sing. That's what I have to practice. I am trying to practice with karaoke. This one will be good, any music will be, but I'm not yet, you know, so I will do that. Yes. You will do it, Swastika ji. It's not difficult. John Lennon's Imagine song, why I'm telling you to sing this song is there is a huge message in that song for entire mankind. When you will read the lyrics of that song, you will come to know it's a message for entire mankind. What it would be if the world will become like this. I know. Next time I will would love you to bring that song in Musical Mind along with the karaoke music. In your voice, and I would love to promote that song. Well, that is a very, very great challenge. Thank you very much. That's a compliment for you. Thanks a lot. Let's see what's got for you after your song. I have a dream. It was actually a statement that Martin Luther King Jr. had started his speech with in America. Yeah. And on that, I would like to say dream, but don't dream your life away. Make sure your dreams come true. So check yourself. Thank you. So chalte aage badhte hain. Hamare saath mein Shikha ji judi hui hain. Recently she have joined us, and Shashikant ji bhi aaye hain. Oza ji, welcome Shashikant ji and Shikha ji. Shikha, you are looking very pretty, nice. Looking very nice. Glooming screen hai, light wagera achhi hai. Looking very nice. Shashikant ji, aap thoda sa nazdeek aaiye. Bahut dur baithe hain, if it is possible. हाँ, वेरी गुड, इन द मिडल. स्वास्तिका जी हमारे साथ हैं. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्नेह जी, प्लीज कॉल अवर अपकमिंग सिंगर. इट इज शिखा जी, शी इज गोइंग टू सिंग नेक्स्ट, सो लेट्स हैव हर ऑन स्क्रीन. आइए शिखा जी. थैंक यू वेरी मच. Sorry. Thank you.
थैंक यू. क्या बात है शिखा जी, वाह वंडरफुल, व्हाट अ परफॉर्मेंस. आपने तो समा बदल दिया. इस गाने की जो सही मूड है, उसका जो ठहराव है, जो उसकी कामनेस है, उसको आपने बहुत बखूबी निभाया. गाना सैड है लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान थी, विच इज़ रियली अमेजिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग दिस काइंड ऑफ सॉन्ग इन दैट काइंड ऑफ यू नो मूड. सो वंडरफुल सिंगिंग, वंडरफुल परफॉर्मेंस, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया. देखते हैं स्नेह जी आपके इस गाने के ऊपर क्या शेर लेके आएंगे. स्नेह जी प्लीज कम, अनम्यूट योर सेल्फ. Okay, Shikha ji, well sung. This is one of my favorite songs, and I'm not just saying it. I really love this song, the mood of it, and the way it's sung by the singer. And you did a good job as well. So, is dil ki tamanna, is dil ki zarurat, tumse hi ye dhadke, bas tum hi ho iski chahat. Kya baat hai, kya baat hai, wow. मतलब गाने को आपने सही मुंह तोड़ जवाब दे दिया शायरी में. परफेक्ट, वेरी नाइस. जवाब क्या देना है यार, प्यार से बोला है क्या. हाँ, मतलब यार देखो वो थोड़ा सैड माहौल था, उसको आपने थोड़ा सा लव का माहौल बना दिया. वेरी नाइस. तो प्यार भरे नगमे और दर्द भरे नगमे, उनका अपना अलग मजा है. आगे बढ़ते हैं शिखा जी के इस वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद हम आने वाली सिंगर को बुलाते हैं. लेकिन उसके पहले हम हमारे बीच एक और शख्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम है मैं बताऊँगा, और जिनके बारे में नहीं मालूम है आज हम उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लेंगे उनसे, तो ताकि हम एक दूसरे को जानें, मैं भी जानूँ, आप भी मुझे जानें, ठीक है ना. मेरे बारे में तो बहुत बातें होती रहती है, मैं इतना बड़ा शख्स नहीं हूँ, छोटा मोटा इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ मैं. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ में एक पुरानी हेयर स्टाइलिस्ट है जो कि बहुत ही फेमस थी लंदन के अंदर, इनके अपने सलून थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में ये काम कर चुकी हैं, उनकी हेयर स्टाइल हैंडल कर चुकी हैं, उनको अच्छा लुक दिया है. पंकज उदास जी की फैमिली, मनहर उदास जी की फैमिली और कई ऐसे सिंगर और फिल्म इंडस्ट्री की हस्ती उनके सामने उनके क्लाइंट बने हुए रहते थे, दोस्त बने रहते थे, फैमिली रिलेशनशिप होती थी. इन्होंने उनकी चंपी की है, ऐसे बोलो ना. वीना वर्मा जी को हम आप इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने. वीना जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट अबाउट योर कनेक्शन टूवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री थ्रू योर प्रोफेशन, बिकॉज वी वुड लव टू हियर व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव मेट इन योर लाइफ इन योर प्रोफेशन. प्लीज. मैं क्या बोलूं, आपने सब बोल दिया. अच्छा. हाँ जी, बोलिए. Yes, yeah, I've been doing hairdressing for if, a very if you long remember time. An incident, do share. Like if you remember an incident with a celebrity, do share with us. Yes, I remember one incident I had in the salon in Southall. And Southall was the main area to have all the stars. This guy, he used to play villain in the movie. And he wanted me to use the just scissors, not hair, not this comb. I said, just comb nahi use karna, just only use scissors. I said, how can I use scissors without the comb? It goes together. You know, he just could not understand that he didn't want me to use the comb with the scissors. And it was so funny. And another incident I had, I have cut Kapil Dev's hair during the World Cup. Kapil Dev. 30 years ago. And the winning cut. And the winning cut. The winner's cut. Yes. तो क्या विना जी आप हमको ये बता सकती हैं कि कितने फिल्म स्टार, कितने क्रिकेटर्स आपके सामने पर्सनली, मतलब फेस टू फेस आप उनसे मिली हैं? Yes, कपिल देव एंड गावस्कर. Okay, and other film stars, कितने फिल्म स्टार से मिली हैं? फिल्म स्टार तो I can't even remember, there were so many. And I'm still doing Nirmal Udasi's hair. He comes every 6 weeks to me for his haircut. Wonderful. तो वीना जी के इस इंट्रोडक्शन के बाद में आगे बढ़ते हैं आने वाले सिंगर को बुलाते हैं. स्नेह जी प्लीज कॉल अपकमिंग सिंगर्स. धीरे धीरे हम हमारे पार्टिसिपेंट से खुद इंट्रोड्यूस होंगे. कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलके, आप लोगों को जान के. और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं खुद थोड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए. जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक गाने के बाद. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so next we have is Anil ji. He's already on the screen. Welcome, Anil ji. एक second time दीजिए जरा. अच्छा, हम लोग एक second time देते हैं.
अनिल जी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री से इनका बहुत ही पुराना ताल्लुक रहा है। रफ़ी जी के साथ में ये एक मतलब उठने बैठने वाले दोस्तों की तरह गुजरे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड थे इनके, बहुत सारे सिंगर्स के साथ में इनके पिक्चर्स हैं। रिसेंटली मैंने अभी अभी कुछ मिनट पहले जब भूपेंद्र जी का गाना गाया शैला जी ने, उनके साथ में भी इनकी पिक्चर है जो मैंने अभी पोस्ट म्यूजिकल माइंड में, चेक कर लीजिए। आइए अनिल जी, आप अपना गाना गाइए। हाँ जी, अनिल जी अगर आप टाइम चाहते हैं तो हम आपको फिर बुलाते हैं। एक सिंगर को चांस दीजिए किसी और को, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगा। स्नेह जी प्लीज वी कॉल विल अनदर। इनवाइट सुषमा जी, आप आइए। सुषमा जी अगर आप रेडी हैं तो। सुषमा जी प्लीज कम। थैंक यू स्नेह जी, थैंक यू सो मच। एक मिनट। स्नेह आप अनिल जी को म्यूट कर दीजिए। एक सेकेंड, मेरे को भी पता नहीं था। ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगर सुषमा जी रेडी नहीं है तो मैं रेडी हो सकता हूँ, मैं कर सकता रेशमी सलवार कुर्ता जासी का रुकना नहीं जाए नजरबाजी का, रेशमी सलवार कुर्ता जाजी का रुकना नहीं जाए नजरबाजी का, जाए पीछा छोड़ मुझ बदबाली का, काहे झूठे रास्ता बदबाली का, जाए पीछा छोड़ मुझ बदबाली का, काहे झूठे रास्ता बदबाली का। करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां, अरे करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां, चाहे बाली का दूसरा नहीं जाए सकरे वाली का, होए जारे पीछा छोड़ मुझ बदबाली का, काम क्यों दे रास्ता बदबाली का। मुझे समझना ऐसी ऐसी, अरे बड़ों बड़ों की मैंने कर दी ऐसी ऐसी, बड़ों बड़ों की मैंने कर दी ऐसी ऐसी, तू न किस खाली का काम झूठे रास्ता बदवाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाति का नहीं जाए सकने वाली का। रुक
रूप तेरे का लगता मेरे दिल को दे गया झटका रंग भरे हाथों से जरा खोल के कट दूं गटका आए रंग भरे हाथों से जरा खोल के कट दूं गटका दिल बाजी सा इंसान नहीं जाए सकने वाली का होए यार तीचा छोड़ मुझे बतवाली का गाने झूठे बतवाली का रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूठा नहीं जाए सकने वाली का होए होए बल्ले 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 होए la 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 thank you ओ बल्ले बल्ले ते शावा शावा की करावा है क्या खाके गुड़ मर जावा है किसी की कह रहे हो कमाल कर दिता सी तेनू है चक देते फटे चक देते फटे जी थैंक यू बहुत अच्छा गाया सुषमा जी आपने बहुत एंजॉय किया हमने भी एंजॉय किया आपके साथ में इट वाज वंडरफुल सिंगिंग गाना भी मस्ती वाला था हम भी मस्ती में झूम रहे आप हमेशा मुझे कहते वेरी सैड गाने गाती रहती है हम लोग जब सैड गाने गाते हैं मेरा मकसद होता है सैड गाने के पीछे मेलोडी और वो फील उस गाने की फील होनी चाहिए लेकिन लोग समझते हैं कि हम अंदर से सैड है तो अंदर से सैड नहीं है हम हर जॉनर के गाने गा सकते हैं इसीलिए अब की बार मैंने दूसरे प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे गाने गाए जो मेरे जॉनर से अलग है हटके हैं जैसे पिछली बार मैंने मिड वीक में वो कुणाल गांजा वाले का गाना गाया बेबसी दर्द का आलम सो इट वॉज टोटली डिफरेंट दैट वॉट नॉर्मली आई सिंग यू नो सो ऐसा नहीं है हमारी अपनी चॉइस है हम एंजॉय करते हैं पर्टिकुलर जॉनर सो इट्स गुड सुषमा जी आपने बहुत अच्छा गाया देखते हैं स्नेह जी आपके लिए क्या शेयर लाइए सुषमा जी बहुत अच्छा गाना गाया आपने आपकी चॉइस बड़ी अच्छी थी धमाकेदार और आपके लिए शायद ये है कि पत्ते भी राज छुपाते हैं जमीन पर कुचले जाते हैं दूर होते हैं पेड़ से अपनी कहानी आग को सुनाते हैं वाह वाह क्या वाह आग पानी पीते और वो सब कुछ आपने उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया वंडरफुल स्नेह जी थैंक यू सो मच सुषमा जी आप भी खुद शायरा हैं तो हमारे शेरों पे हंसा ना करिए रिक्वेस्ट है हमारी चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मैं आपको एक मैडम से मिलवाता हूँ जो हमारे साथ में बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हुई थी कुछ दिन के लिए वो बीच में थोड़ी सी दूर हो चली थी शायद ट्रैवलिंग में थी मिस किया हम लोगों ने उनको और उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहता हूँ क्योंकि स्पिरिचुअली वो थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं आत्माओं से और इसके ज्ञान से बचपन से इन्हें कई चीज़ों की बोध हुई कई लोगों ने इनको बोला है कि अपनी आत्मा को और अपनी जिस्म को और अपने बॉडी को समझें उसके कनेक्शन को समझें इंदिरा जी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इंदिरा जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अ लिटिल बिट ऑल अबाउट व्हाट यू वुड लाइक टू से आप क्या हैं कहाँ से हैं क्या कर रही हैं क्या किया है आपने थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके बारे में अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मडागास्कर बोर्न हूँ और मेरी शादी इधर केनिया में हुई और 20 साल से इधर लंदन में है तो और मेरे दो बच्चे हैं टू सन्स बोथ मैरिड है सेटल्ड है मैं मेरा हस्बैंड इधर है और अब एंजॉय कर रहे हैं ये गाना 3 साल से मैं ये गाना गाने का शुरू किया अभी लॉकडाउन था उसमें एक ग्रुप में ज्वाइन हुए तो उसमें गाओ गाओ कहते थे तो पहले भजन से शुरू किया गाने के लिए अब आज स्लोली स्लोली 2-3 ग्रुप में आ गई और गाते अभी आपके ग्रुप में भी आ गई बहुत अच्छे आप हमेशा से इंदिरा जी हाउसवाइफ रही हैं या आपने कोई काम भी किया है मैंने काम किया था मैंने किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच था मडागास्कर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री
parle français aussi, Miss Indira ji. Je n'ai pas compris si tu parles français. Ça veut dire quoi? Ça fait combien d'années que tu parles français? Vous parlez en français aussi? J'ai pu parler français très bien. Ça fait longtemps. Je parle en français. Dire na Kenya ke udhar English tha to fir slowly slowly बच्चों के साथ सीख गए, फिर इधर लंदन आ गए, थोड़ा कोर्स किया, थोड़ा ब्यूटी का एडवांस कोर्स किया, फिर ब्यूटी में काम किया, फिर मैं ग्रैंड दादी बन गई तो मैंने छोड़ दिया काम, फिर घर से ही शुरू किया, अभी तक करती हूँ घर से Very ब्यूटी nice. Okay. Thank का. you, Ravi. Thanks for your introduction. We have Najwa Sueli. थैंक यू. We have Najwa Sueli, Indra. We have Najwa Sueli. We have Najwa Sueli, Apana. Okay. आपको Sueli नहीं आता. स्वाइली थोड़ा आता है, थोड़ा भूल गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंदिरा जी के इस इंट्रोडक्शन के बाद, थैंक्स इंदिरा जी, आज हम आपको थोड़ा बहुत जानने लगे हैं धीरे धीरे, और सबके बारे में. स्नेह जी आने वाले सिंगर को बुलाएंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे. स्नेह जी, प्लीज कॉल अप आने वाले कंसर्न. सिंगर स्क्रीन पे आ चुके हैं. भरत भाई आप नहीं, अनिल आपने कहा था, अनिल मैं रेडी हूँ. अच्छा, आपको स्किप कर दिया था मैंने. अनिल जी आइए. आज मैं फास्ट गाना ही गा रहा हूं क्योंकि स्लो गाने अब नहीं चलेंगे. अच्छा जी, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा. आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम. देखो 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 देखो, पेरिस. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा. आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम. देखो 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 देखो. आवाज नहीं आ रही. अरे नहीं, मैं स्नेह को बोल रहा था. सॉरी स्नेह, म्यूट करो अपने आप को यार, प्लीज. अच्छा अनिल जी, आप फिर से स्टार्ट करिए प्लीज, बीच में यू स्नेह आ हैव रही है. द कंट्रोल एज वेल, यू आर माय को-होस्ट, यू कैन म्यूट मी. नहीं, मैं मुझे नहीं बोल एनीवेज, रहा है, मुझे स्क्रीन पे सॉरी देख सॉरी रही है. अबाउट दैट. अनिल जी, आप बिगिनिंग से शुरू कीजिए. हाँ जी. अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा. आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम. देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा. आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक लंबी शाम. देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस. देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी इनकी बोली. क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आपकी टोली. देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी इनकी बोली. क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आपकी टोली. अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा.
आओ तुमको दिखलाता हूँ लंदन की एक लंबी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन लंदन। हाथों में डाले दिलते हैं आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले मिलते हैं आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ लंदन की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन लंदन। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों में आ गुजर लो। दिल के ना ला 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 कर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों पे आ गुजर लो। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ लंदन की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन लंदन। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ लंदन की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन लंदन। एन इवनिंग इन लंदन। एन इवनिंग इन लंदन। क्या बात है, क्या बात है अनिल, अनिल जी बहुत खूब। आपकी इवनिंग इन लंदन देखने के लिए कब बुला रहे हैं बताएं मुझे, मैं आने के लिए रेडी हूँ। एनी टाइम वेलकम सर, मैंने तो आपको एड्रेस भी भेज दिया। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपको एड्रेस भी भेज दिया, आप आओ घर में रहो एंजॉय करो। मुझे पता है अनिल जी ने मुझे बहुत बार इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच अनिल जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने घर इनवाइट किया है मुझे। आई विल डेफिनेटली, मेरा बेटा आपको मिलने के लिए बेताब है। थैंक यू सो मच, इट्स रियली काइंड वर्ड्स फॉर मी, बहुत रिस्पेक्टफुल आप फील करवा रहे हो मुझे, अच्छा लगा मुझे। और आपका बेटा इतना बड़ा डीजे है और वो आपने बताया था मुझे कि मुझसे मिलने के लिए बेताब है, फैन है मेरा। सो आई रियली वेरी आई कैन से obliged and इमोशनल हो गया हूँ कि इतना रिस्पेक्ट। ओवरवेल्म्ड, यस, थैंक यू सो मच। सो हम इवनिंग इन लंदन देखने जरूर आएंगे और विजिट करूंगा मैं, मेरा प्लान है लंदन, आई एम गोना कम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। या हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं सोच रहे हैं कि एक म्यूजिकल माइंड का लाइव इवेंट हो लंदन में, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो भी आए ज्वाइन करें, एक धमाकेदार इवेंट होगा। मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, आप खाली डेट बता दो बस, सुबह से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच स्नेह जी। तेरी याद में पेरिस जैसा बंदा भी लाहौर हो गया। क्या बात है। तेरी याद में पेरिस जैसा बंदा भी लाहौर हो गया, इशारे में की थी हमने बातें,
पर पूरे शहर को पता चल गया। क्या बात, क्या बात। भूख प्यास भी नहीं लगती, खाना पीना भी छूट गया। और मम्मी कहती है कि मेरा बेटा कमजोर हो गया। वाह वंडरफुल, क्या बात है। पेरिस से लाख और लंदन में कमजोर हो गया बंदा। चलो ठीक है। ये शायरी है बाबा, जोक है। आगे बढ़ते हैं अनिल कालवाकर जी के इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद में, इवनिंग इन लंदन के बाद में आने वाली हमारी अपकमिंग सिंगर को बुलाते हैं। फिर और एक हस्ती से हम इंट्रोड्यूस होंगे हमारे ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट है। ये इंट्रोडक्शन आज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक नए रुख की तरफ जा रहा है। अप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं मंथ के एंड में। आज से ये प्रोग्राम शुरू होता है और अगले महीने के एंड में ये अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाएंगे। अवार्ड्स के पिक्चर्स, उसका प्रोमो सून इट विल गेट रिलीज्ड ऑन अवर चैट चैनल एंड एज वेल एज म्यूजिकल माइंड व्हाट्सएप चैनल। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। और हमको एक दूसरे को जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सुरों के साथी हैं। आपका और हमारा सुर एक दूसरे से मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। वी शुड नो ईच अदर हु इज़ हु। तो आगे बढ़ते हैं, स्नेह जी अपकमिंग सिंगर को बुलाएंगी और फिर हम उसके बाद में एक और हस्ती से मिलेंगे। मैं बुलानी चाह रही थी भरत भाई को। भरत भाई को बुलाया जाए। भाई आइए। समय महफिल आपके सामने रखी जाती है। भूपिंदर पा जी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, पापा जी इसके बाद में हम इनको भी बुलाएंगे। आइए भरत भाई। थैंक यू उजी जी एंड स्नेह जी। म्यूट कर देना स्नेह जी प्लीज। थैंक यू। हम कहाँ
ये गाना बहुत ही टचिंग सॉन्ग है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। जब आपने गाना की म्यूजिक शुरू की तभी मैंने आपको इशारा कर दिया ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बहुत अच्छी तरीके से गाया सोनू निगम जी ने, इसको गाया है आदित्य पंचोली पे, ये फिल्माइज्ड किया है, तो बहुत ही टचिंग सॉन्ग है। इसके वर्डिंग्स बहुत ही करीब है मेरे दिल के। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। उन्होंने भी गाया है गाना। हाँ, कुमार सानू ने भी गाया है, बहुत अच्छी तरीके से गाया है आपने इसको, बहुत अच्छी तरीके से गाया। इट वॉज वंडरफुल सिंगिंग। तो आपके इस सिंगिंग के बाद में स्नेह जी आपके इस गाने पे क्या शेर लाई है वो देखते हैं, और उसके बाद में मैं आपको एक और हस्ती से मिलाऊंगा जो हमारी पार्टिसिपेंट है, हमारे साथ में हमेशा से जुड़ी हुई है, वो भी कुछ दिनों के लिए बीच में लुप्त हो गई थी लेकिन फिर से वापस आ गई है। तो स्नेह जी लाइए आपकी शेर, अनम्यूट योर सेल्फ स्नेह। भरत भाई बहुत अच्छा गाया, मजा आ रहा था गाना सुनने में। तो तेरे साथ आ गए हम ओ मेरे हमदम, ना अरमा कोई बाकी है ख्वाहिशें कम, तेरी चाहत में है मुकम्मल हम ओ मेरे हमदम। क्या बात है, क्या बात है, हम है, बाकी सब पानी कम है, क्या बात है, सही मजा आया। आगे बढ़ते हैं स्नेह जी के इस वंडरफुल शेयर के बाद में आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारी एक पार्टिसिपेंट से, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी निभा रही है अपने जॉब में। एंड सुषमा जी कुछ बोलना चाहती है, सुषमा जी आप कुछ बोलना चाहती है बोलिए। मैं शायरी शायरी कहनी है, एक शायरी, एक बस, सिर्फ एक ही बोलूंगी, ज्यादा बोलिए। भारत जी आपने बहुत अच्छा गाया, आपके लिए एक छोटी दो लाइन है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकते, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। क्या बात है, क्या बात है सुनीता जी, आपने एक लेसन दे दिया हमारे को गाने के ऊपर, ये लेसन था, बहुत ही सच बात है, सत्य वचन। आज उदी जी मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है, आज मेरी डॉटर दुबई से और मेरा ग्रैंडसन ऐसे मुझे सरप्राइज विजिट कर दिया, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो आप इस खुशी के मौके पे दर्द भरा गाना क्यों गा रहे हो, आपको खुशी का गाना गाने, गाने का तो मुझे काफी गाने का शौक है, बट सुध भरा दर्द भरा है वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी तो ऐसे रहती है। थैंक यू जी, we are happy and we are also involved in your happiness, may God give you more happiness in your life and may God bless your family, they live always happy and prosperous. Thank you so much Bharat ji, bahut acha gaya. Sushma ji aapki sher bahut achhi the, enjoyed aapke sheron ke andar lessons hain, teachings hain, which is very nice, it is also giving some information to our viewers. सुमन सेठ जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपके सामने। सुमन जी अगर आपको एतराज ना हो तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। मुझे लगता है ये कुछ एनजीओ से कनेक्टेड हैं या कोई हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे है लेकिन मैं और जानना चाहता हूँ। सुमन जी अनम्यूट योरसेल्फ,
No, actually, I'm not connected with any NGO or any other. I'm connected with the United Nations. I worked in the UN Climate Change Secretariat in Bonn, in Germany. So I lived in Germany for 30 years. Wow. And now I'm in transitional phase from Germany to London. Since my children are settled down here, so I'm moving from there. So my background is from the climate change, and I have done my economics honors and economics in masters. So that's my background. And before that, I lived in Switzerland, in 3 years in Geneva from the UN. I'm coming from the UN because my office moved to the to Germany. But I traveled a lot with the climate change for all my conferences. So almost, I think I visited so many countries with my conferences. I think you must have heard the name of Conference of Parties, COP1, COP2. So I attended 20 COPs in different countries. So, interesting and now I'm retired. Okay, climate change department में आपने काम किया है, बहुत ही interesting topic है मेरे लिए, क्योंकि I have done thorough studies and investigation on this, and I know, I don't know if I don't want to take any words in this program, we will talk about this in our other program, जहाँ पर हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं, knowledge की बात करते हैं, मुझे आपने बोलते हुए सुना होगा, and I am now very curious to talk to you one to one about knowing all the truths and mysteries and myths behind this. So, आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. Nice, सुमन जी, आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा. हमारे व्यूवर्स भी आपको अब जानने लगे हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उनको भी मिली है. कल को अगर फ्यूचर में मुझे कुछ ज्ञान चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो मैं आपको अप्रोच करूँगा. थैंक यू सो मच सुमन जी. आगे बढ़ते हैं, हमारे कंप्यूटर को बुलाते हैं. सुमन सेठ के इस इंट्रोडक्शन के बाद में स्नेह जी आने वाले सिंगर को बुलाएंगे. आने वाले सिंगर हैं अरुणा जी. अरुणा जी आ भी जाओ. आ गए हम. आ गई है वो, स्क्रीन पे ही है. मैं भी आ गया जी, नमस्कार. भूपिंदर पाजी भी आ गए, मिल गया मेरे को. आप फिक्र ना करें, आपको भी बुलाएंगे. जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के. बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है. दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है. एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है. कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के. Thank you.
सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे। मालूम था हम नाकामी वफा होंगे, किस्मत ने दी दो के, किस्मत ने दी दो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे, वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम दोनों मिलना नहीं छोड़ेंगे, जो रोक सके रोके, जो रोक सके रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रोके, मर जाएंगे रो रोके। क्या बात है, क्या बात है अरुणा जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से निभाया आपने ये रफ़ी का गाना हम तुमसे जुदा होके। मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये, मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग है रफ़ी जी ने जो गाने हैं उनके करीब, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे। लेकिन हम आपको रोने नहीं देंगे, फिक्र ना करिए, स्नेह जी ने आपके लिए बहुत अच्छी एक शायरी लाई है जिसकी वजह से आप अच्छा स्माइल कर सकते हो, खुश हो सकते हो। चलिए स्नेह जी, आप इनके लिए क्या कहती हैं? स्नेह गुम हो गई। नहीं नहीं, वेयर इज शी, रियली हेलो, देयर शी इज, वो शायरी ढूंढने गई थी मेरे लिए। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए स्नेह। हेलो, आई वाज लिसनिंग टू योर सॉन्ग एंड यू सैंग वंडरफुली, थैंक यू जी। ये कहां आ गए हम ए जिंदगी तेरी रहबानी में, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये कहाँ आ गए हम, जवाब कौन देगा? आ गए हम। उठ रही है दिल में हलचल, बढ़ रही है बंदिशें, मिल रहे हैं ख्वाब बेशक, पल रही है रंजिशें। बेच कर खुशहाली सारी, जो खरीदी खरीदा गम, ये कहाँ आ गए हम। थैंक यू अरुणा जी। तो ये कहाँ आ गए हम। तो अरुणा जी के इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद में आगे बढ़ते हैं और एक और हस्ती से मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे भूपिंदर पाजी को, जो बड़े ही उत्सुक हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। आइए भूपिंदर पाजी। आ गए जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सबको। मैं लेट हो गया, अभी मैं हमारी क्लब में था प्रोग्राम, तो 24th मई को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, वो वहां मना रहे थे। अरे वाह, wish happy, you a happy marriage wedding anniversary for you, you and where is your partner, humne kabhi dekha nahi hai unko। acha aaja bhai, wo aaja bhai hai ki partner bhai, samajh mein nahi aaya, bhai hai, isi baat hai, hum punjabi bolte hai bhai, kya kare। acha aaja, life partner ko bhai bulate hai, kya baat hai।
पानी सो गई यार, थक गई। नॉट नाइस। थैंक यू। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम। रिकॉर्डिंग में निकाल देना। पापा जी आप आइए। रिकॉर्डिंग में से निकाल देना यार। सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब। सदा खुश रहे तू दफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू दफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू, सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी तेरी क्या तुम न रोते। सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। मगर क्या दिखाए तुम्हें दिल निशाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू, सितम और भी हो तो वो भी कीजिएगा, सितम और भी हो तो वो भी कीजिएगा। तो कुछ और भी गम तो भी दिएगा, नहीं फिर भी तुझ से मिला करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू दफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भूपिंदर जी। आप तो वैसे ही अच्छे सिंगर हैं, मंजे हुए हैं, आपके प्रोग्राम्स मैं देखता रहता हूँ, फेसबुक पे भी आपके गाने देखता रहता हूँ। वंडरफुल सिंगिंग, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। देखते हैं आपके गाने के लिए स्नेह मैडम क्या लेके आई है। स्नेह जी क्या लेके आई हैं आप इनके लिए? भूपिंदर जी बहुत अच्छा गाया आपने, आपके सैड गाने के लिए एक सैड शायरी। बस इतनी सी ही कहानी थी, बस इतनी सी ही कहानी थी मेरी मोहब्बत की। मौसम की तरह तुम बदले और फसल की तरह हम बर्बाद हो गए। क्या बात है। क्या बात है। सुषमा जी भी एक शायरी लेके आना चाहती है। सुषमा जी बोलिए। एक मेरी तरफ से, जीवन एक संगीत है इसे गुनगुनाते रहिए, जीवन एक संगीत है इसे गुनगुनाते रहिए, हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं भूपिंदर पाल जी के इस दर्द भरे और खुशियों भरे शायरियों के साथ। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं। स्नेह जी बुलाएंगे आने वाले सिंगर को। यस, तो
हमने एंड किया था अरुणा जी पे, तो रश्मि जी आ रही है नेक्स्ट. रश्मि जी वेलकम आवर स्वीट शाय रश्मि जी. वेयर इज शी? देयर शी इज. हाय, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ. कहाँ है वो सब जो बर्फियां और ढोकले और फाफड़े सब दिखाए थे हमको? ना, टेबल पे पर इन्होंने खा लिए. खा लिए, मैं देखती हूँ कौन. आई फिनिश देम. She makes them for you, so of course you have the right. थोड़े वो बॉक्स बॉक्स में डाल के शिपिंग भी कर दिया करो. जब लोग सब आएंगे ना तो खिलाऊंगी मैं. सत श्री अकाल जी सारे. अनु जरूर आएंगे हम. सत श्री अकाल जी, हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू जी. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. वाओ, श्री अकाल. आप बहुत बहुत बधाई है आपकी सालगिरह पर, वेडिंग सालगिरह के ऊपर. अब पता चला ये अच्छे अच्छे गाने गागा के पोस्ट कैसे करके करते हैं. शुक्रिया जी, शुक्रिया. इनको इनको बस गाने के लिए आप छोड़ देते हैं टाइम, कुछ काम नहीं करवाते इनसे. थोड़ी सब्जी वब्जी कटवा दीजिए, पूरा दिन गाते रहते हैं. चौबीस घंटे भी नहीं गाते हैं. वो तो देखा है हमने. happy wedding anniversary to both thank of you, you. from the whole of musical minds सबकी तरफ से. चलिए आगे बढ़ते हैं. रश्मि जी आप अपना परफॉर्मेंस लेके आइए प्लीज. दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से
क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे आकाश में हो रहे हैं किसे इशारे क्या देख कर आज इतने खुश चांद तारे क्यों तुम पर आए दिल में समाए ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे अच्छी है और रश्मि जी अच्छा गाती ही हैं ये गाना राज कपूर और नूतन जी पे फिल्माया गया था बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग दिलीप जी का एक गाना मेरे दिल में बस गया है जो वो क्या है वो क्या गाना महीने एक महीने पहले गाया था रणधीर कपूर का जो सॉन्ग था और टीना मुलिन के साथ में मुझे वो गाने के वर्डिंग्स याद नहीं रहे लेकिन आप यकीन नहीं करोगे वो गाना पहले मैंने कभी नहीं सुना था पहली बार आपके मुंह से सुना और वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा उसकी म्यूजिक और जिस तरह से आपने उसको गाया फिर वो गाना मैंने यूट्यूब पे जाके बहुत बार सुना कि यार ये गाना मैंने पहले कभी कैसे नहीं सुना सो इट वाज वंडरफुल यू हैव आल्सो इंट्रोड्यूस सम हो सकता है मेरे लिए वो अनसुना है बाकी बहुत लोगों ने सुना होगा स्नेह से जब मैंने पूछा तो उसने पूछा बुला के मैंने सुना था सो यू बोथ ऑफ यू हैविंग अ गुड कपल टुगेदर एंड व्हेन यू सिंग द डुएट आपकी जो केमिस्ट्री है सिंगिंग की वो भी बहुत अच्छी है वंडरफुल सिंगिंग वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं स्नेह जी आपके गाने के बारे में क्या लेके आती हैं सुनते हैं बहुत ही इन द पेयर यू आर बोथ ऑफ यू टुगेदर यू आर सो वेल बैलेंस्ड एंड वेल सूटेड वॉइसेस फॉर ईच अदर दैट यू मेक अप द बेस्ट सिंगिंग कपल आई थिंक ऑन स्क्रीन ऑन जूम स्क्रीन दैट आई हैव सीन इन ऑल द ग्रुप्स सो नंबर वन फॉर दैट You have a number one position, I would say. And for you, kar de nazre karam mujh par, main tujh pe aitbaar kar doon. Kar de nazre karam mujh par, main tujh pe aitbaar kar doon. Deewana hoon tera aisa ki deewangi ki had paar kar doon. Kya baat hai, kya baat hai. Bahut khoob, bahut khoob. Deewana bhi kehte hain. That's for you too. Thank you very much. Thank you. We are blessed. Thank you very much. स्नेह जी मेरे उस गजल्स के साथ में मैच करता है बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है क्या बात है अच्छा है दीवाना होना भी अच्छा है आगे बढ़ते हैं इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद में एक दीवानी को बुलाते हैं हम किसको बुलाते हैं एक दीवानी को बुलाते हैं जो कि लंदन के किसी कोने में रहती हैं और कई लोगों के साथ में इन्होंने अपने पिक्चर्स निकाले हैं पुराने कुछ पिक्चर्स में तो ये एक पुराने ज़माने की फिल्म अदाकारा की तरह भी दिखती हैं आइए वीना जी वीना वर्मा जी प्लीज़ वेलकम वेलकम हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी तो से जो
वंडरफुल वीना जी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया। ये गज़ल बहुत ही फेमस गज़ल है जगजीत सिंह की, राज बब्बर के ऊपर फिल्माई गई है और बहुत ही फेमस है। मुझे बहुत अच्छी लगती है गज़ल। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया, सुर में थी, ताल में थी, आगे पीछे नहीं हुए, परफेक्टली गाया आपने। वेरी नाइस सिंगिंग, वंडरफुल सिंगिंग, वी एन्जॉय इट। देखते हैं स्नेह जी आपके इस गीत के लिए क्या शेर लेके आएंगे। वीना जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। आपकी आवाज भी, इट्स इम्प्रूविंग एंड यू डूइंग सो वेल, सो एन अप्लॉज फॉर दैट एंड फॉर यू, आई मीन हूएवर यू वर सिंगिंग फॉर। काश मेरे होठ तेरे होठों को छू जाए, देखूं जहां बस तेरा चेहरा नजर आए। Wow. हो जाए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा, होठों के साथ हमारे दिल भी जुड़ जाएं। क्या बात है एंजॉय दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। बहुत खूब स्नेह जी के इस शेर के बाद में और वीना जी के इस वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद में प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और आने वाले सिंगर को स्नेह जी इनवाइट करेंगी, फिर हम एक हस्ती से फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रोग्राम को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते, आज कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और कुछ लोग जो रह जाते हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अगले शो में हमारे म्यूजिकल माइंड्स के, आने वाले फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, so we have Dilip ji next in line, so welcome Dilip ji, over to you. He's अपना सॉन्ग लेके आएगी। Thank you, Sneh ji, Uzi ji. I'd like to sing a Mohammad Rafi song. Well, it's a duet, this one, so hope you enjoy this. छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम ना लेकर बुला लो। मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है, चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे। सफर खत्म कर दे
मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं Amazing. मेरी सांसें भी अभी गर्म चलने लगी है थोड़ी. Thank you very much. Thank you. Lovely song, lovely song though. Lovely song. It's very nice. बहुत अच्छी तरीके से गाया. It's nice that you can bring such duets to us because you're sitting there together, and we miss this kind of, you know, if we are singing single, then it's just something limited that you can do. But with a pair together, you can do. Lovely to it. So thank you for thank joining you. Us every thank time. You for your compliments. It's so thank a pleasure. You. Thank you very much. You. And I have something for y'all. सांसें भी मचलने लगी, ये धड़कन भी बढ़ने लगी, जैसे उसी जी की बढ़ रही है. सांसें भी मचलने लगी, ये धड़कन भी बढ़ने लगी, फक्त तसव्वुर से ही उनके ये जिंदगी सवरने लगी. क्या बात है, क्या बात है. गरम सांसें, गरम जिंदगी, सब कुछ गरम गरम ढोकले और गरम फाफड़े. माहौल को थोड़ा मैं सुना दूं इनके लिए. सुनाइए सुनाइए सुषमा जी, आप भी माहौल को थोड़ा गरम कीजिए. एक इन दोनों के लिए, पहले भी निकाला था पर टाइम नहीं मिला. कामले एक सेकंड, एक सेकंड आ जाइए. कामले कुछ हसीन होठों से बातों बातों में मुस्कुरा कर धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने आया कर. कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर. क्या बात है, क्या तकलीफ भी इनको कह रहे हैं. और कपड़े सुखाने के बहाने छत पे आया कर, छत पे आया कर. भाई साहब माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं. आने वाले सिंगर को बुलाते हैं. वंडरफुल शायरी सुषमा जी, थैंक यू सो मच. और लक्ष्मी जी, दिलीप जी, वंडरफुल डुएट, वी हैव थोरली एंजॉयड इट. वंडरफुल तालमेल आपस में, बहुत अच्छा जुगलबंदी की आपने. आगे बढ़ते हैं. स्नेह जी अपकमिंग सिंगर्स को बुलाएंगी. लेट्स गो फॉरवर्ड. I think I'd already listed. Savita ji is going to come next. Savita ji, avi jao. Tamari vari avi gayi. Avi gayi mai vari. Chalo, hu ready chu. Good evening to everyone. And my song is from Lal Patthar. Picture is on Vinod Mehra. And singer is Kishore Kumar. Mit gata hu main gun. फूलों से नाजुक मेरे बोल है, ये
पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल है। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन के दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साल है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता मैं। थैंक यू। वाह वंडरफुल सविता जी, क्या बात है, बहुत खूब गाया ये गाना। जिस तरह से आपने बोला था कि जिस पे फिल्माइज किया गया है, विनोद मेहरा जी पे बहुत ही काम एक्टर है और ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना, इसीलिए मैंने इसको जल्दी से गेस कर लिया। राजकुमार जी बैठ के साइड में इसको सुनते हैं और हाथ ऐसे हिलाते रहते हैं, मैं भी अपना हिलाते रहते तो बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, स्नेह जी आपके लिए इस गीत के ऊपर क्या शेर लाई है सुनते हैं। वेरी वेल सॉन्ग सविता जी, एंड You picked a good song to sing. Everybody likes it. So, Geet Gaata Chal. Geet Gaata Chal, Dhun Jo Tere Saath Hai. Saaz Bajata Chal, Shabd Jo Tere Paas Hai. Usko Mehsoos Kar, Jo Tera Khaas Hai. Woh Libaas Pehen Jo Tujh Pe Khilta Hai. Gulab Ki Tu Pankhdiyon Ko Sajata Chal. Geet Gaata Chal. क्या बात है, थैंक यू, बहुत फाइन, अच्छा, बहुत फाइन, बहुत फाइन, आपको पसंद आया तो बस फिर क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सविता जी, एंड नेक्स्ट ऑन स्क्रीन इज इंदिरा जी, वेलकम इंदिरा जी। इंदिरा जी को बुलाते हैं, आइए। हेलो एवरीवन, आज मैं इंग्लिश गाना ट्राई करूंगी। Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean of the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me, when we dance, we have a way with me. Stay with me. I can hear the sound of fire.
क्या बात है यार इंदिरा जी, आप तो छुपी रुस्तम निकली. इट वॉज रियली सरप्राइजिंग. वाओ नाइस, आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से गाया. आई कांट बिलीव इट. वंडरफुल परफॉर्मेंस इंदिरा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस सॉन्ग. वी रियली एंजॉयड इट. वाह क्या बात है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. यू हैव डन अ रियली ग्रेट अटेम्प्ट. थैंक यू सो मच. देखते हैं स्नेह जी आपके इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहती है. स्नेह जी अनम्यूट योरसेल्फ. या Okay, so take me to the stars, Indiraji. This is for you. Take me to the stars. Wait a second. Take me to the stars where space dust fills our lungs. Black holes and steroids our only obstacles. Cosmic hallucination of perfect galaxies. You, the sun, and I, a planet forever orbiting. Sway with me. Oh my God! पूरे ब्रह्मांड को इन्वॉल्व कर दिया स्नेह जी ने. चलिए कोई बात नहीं. Keep swaying. ब्रह्मांड वाली शायरी के बाद में मैं अब क्या ही बोलूं? सब कुछ कंप्लीट कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा. जमीन से लेके आकाश तक, चांद से लेके सूरज तक, पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सी वैलेक्सी सब मिक्स कर दी. चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो मेरे लिए छोड़ा होता स्नेह जी. चलिए आगे बढ़ते हैं स्नेह जी के इस वंडरफुल शायरी के बाद में, जिसमें पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया है. आने वाले सिंगर को बुलाते हैं हम. कौन है हमारे आने वाले सिंगर स्नेह जी? सुपर शशिकांत जी फ्रॉम कनाडा. शशिकांत ओझा जी, क्या बात है. अपने हेडफोन्स लगाते हुए, मिडल एंड से आगे बढ़ते हुए, नमस्ते करते हुए हमारे सामने आ चुके हैं. आइए प्लीज. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे. जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे. चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे. मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई. जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे.
नजर में आज कल दिन भी मेरी रात है, अपनी नजर में आज कल दिन भी मेरी रात है, साही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। दिल के आशियां में बस उनके ख्याल रह गए, इस दिल के आशियां में बस उनके ख्याल रह गए, तो उनके दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाए, तुमको न भूल पाए। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है शशिकांत ओझा जी, दिल को छू ली गई आपकी आवाज और ये मुकेश देवी। म्यूजिक चल रही है। अच्छा जी, बताइए क्या क्या कहती हैं आप? इन्होंने एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आए हैं ये गाने के लिए, बट ही हैज आई डोंट नो वेदर ही इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट मोर और ही जस्ट सडनली हैड दिस, ही इज सिंगिंग मच 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 बेटर देन प्रीवियस टाइम्स दैट आई हैव हर्ड हिम। And I love this song, Shashikant ji. You have turned into a superstar. So here's something for you. Kehte hain chhodne wale chhod jaate hain, mukam koi bhi ho. Nibhane wale nibha jaate hain, halat kaise bhi ho. Wow, welcome. This is for all of you who have joined us today, and we are really impressed by the turnout today. Yes, we really appreciate your participation and thank you for doing that. Thank you, Shashikant ji. बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे अच्छे नगमे लाए, अच्छी बातें हुई, कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, अगले एपिसोड में और लोगों से इंट्रोडक्शन करेंगे। आने वाली हमारी सिंगर है हमारी प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर स्नेह दमोरिया जी, उनको बुलाते हैं, उनके बाद में फिर जैसे हमारे म्यूजिकल माइंड की प्रोसीजर है, जैसे हमारी सभ्यता है, आखिरी में मैं गाना गाऊँगा स्नेह जी के बाद और फिर हम गुड नाइट नमस्ते सत श्री अकाल शब्ब खैर करेंगे। आइए स्नेह दमोरिया जी प्लीज। ये जबरदस्ती वाली सभ्यता कौन सी हो गई कि आपको गाना ही है लास्ट में, हम भी तो गा सकते हैं। आप गाइए कोई बात नहीं, आप वैसे लास्ट में गाइए। आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, इट्स ओके, इट्स नाइस टू हियर यू बिकॉज यू सिंग बेटर देन ऑल ऑफ अस। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्नेह की, स्नेह के बाद में आप शेर लेके आएंगी इनके लिए। Okay, I might need a... Sneh
Snehi, check your original sound is enabled. Your microphone, I cannot hear you. I have to hold it so you can hear me. Can you hear me now? Yeah? Yes, okay. हमेशा मस्ती मस्ती वाले गाने गाती है और अचानक वो इस जॉनर में आ जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत अच्छी तरीके से गाना ये गाना गाया आपने, बहुत ही हमारे को अच्छा लगा, दिल को छू लिया।
You must sing also this kind of song. I think you can definitely perform it in a very nice way. I'm sure sabhi isse aaj accept karenge ki it was really nice singing from you. Always masti wale gaane hi gaana zaruri nahi hai. Bahut acha gaya aapne Sneh ji. Aapke gaane ke liye comment dene ke liye main kisi ko bulaunga. Uske pehle Sushma ji aapke liye ek sher sunayenge. Sushma ji please aaiye. Sneh ji for you. Sneh ji banna hai to namak jaisa bano. बनना है तो नमक जैसा बनो, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ना ही आपके बगैर कोई चलेगा। क्या बात है, मतलब बिना नमक के खाने का मजा ही क्या है फिर। चलिए हाँ, नमक थोड़ा खाओ ना, नमक अगर ज्यादा पड़ जाए तो वो सब्जी अच्छी नहीं लगती। शैला जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके गाने के बारे में कमेंट देने के लिए। शैला जी क्या लगता है आपको? ये स्नेह जी का परफॉर्मेंस है वो, ये एटम क्या है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने गाया है और कोशिश की है, जो उसकी लय, उसका ताल, उसका क्या बोलते हैं, उसकी चढ़ा, ऐसा नहीं होता है चढ़ा होता है गाने में, ऐसा थोड़ा क्लासिकल भी बीट आता है थोड़ा, ये तो ये बहुत बहुत ही प्यारा लगा। इतना स्वीटली आपने गाया ये सॉन्ग, अच्छी तरह से निभाया, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत। You should sing this kind of songs, Sneh. आपकी आवाज नहीं आ रही Sneh? Definitely, definitely, yes. It suits your voice, yeah. I would like to thank God that my system worked properly. I would like to thank God and myself because I tuned the system before I started, you know, the Zoom today. So. Yeah, I should do that more often. Very nice, Sneh. Thank you, Sushma ji. Thank you, Shaila ji, for the lovely words. And yeah, Uzi ji, over to you. We're going to invite Uzi ji for the special grand finale that he always does and take it over. Thank you. So, your song was very good, Sneh ji. I would love to listen this kind of songs again from you. तो चलिए प्रोग्राम की आखिर है, ख़त्म करते हैं इसको किशोर कुमार के इस नगमे के साथ में। प्यार भरा नगमा है, दर्द वाली बातें बहुत हो चुकी, थोड़ी प्यार वाली बातें हुई है। म्यूजिक में ज्यादा खो गया। प्यार मंगा है तुम्हें से नए का।
मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार लगा है तुम्ही से singing. A very good song to end with. And here's something for you. Is dil mein pyar tha kitna, wo jaan lete to kya baat hoti. Humne manga tha unhe khuda se, wo bhi maang lete to kya baat hoti. Kya baat hai. Wow, bahut good. Kya baat hai. Sneh ji, aapke sher ne to char chaand laga diye. Sushma ji ki bhi sher bahut acche the. जिन्होंने अपने मतलब जो अपने कंट्रीब्यूशन किया है सभी ने, इट वाज वंडरफुल. आप सभी लोग अभी अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन टॉक. पहले मैं ही कुछ बोल लूं. उजी जी, आपने जो बोला कि प्यार मांगा था किसी उन्हीं से, वो ही तो हम शादी में आने के लिए रेडी ही है. ओके. जब शादी का वक्त आएगा तो मैं जरूर बुलाऊंगा. नहीं नहीं, अभी वक्त आ ही गया है. ओके. हम सभी रेडी है, आ जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. लंदन में इन्होंने रखी है पार्टी. लंदन में रख देंगे. हाँ, लंदन में सब अटेंड करेंगे. उजी जी की. थैंक यू एवरीवन. सुषमा जी, आपकी शायरी के लिए थैंक यू. बोलने दो मुझे एक उजी. अच्छा अच्छा. जिंदगी बहुत सुंदर है, जिंदगी बहुत सुंदर है, हमें जीना नहीं आता. हर चीज में नशा है. उजी तुम में भी नशा है. हर चीज में नशा है पर हमें पीना नहीं आता. सब तुम्हारे बिना जी सकते हैं पर अब जूम के बिना जीना नहीं आता. एक्सेलेंट. वाओ सुषमा जी, आप बैठे बैठे शायरी लिख लेते हैं. मैं थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ फिर बाकी का अपने आप बोल देती. नाइस, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू भरत भाई, थैंक यू सविता जी, शशिकांत जी, थैंक यू. Wonderful singing today. Remember that you have to keep coming. And Rashmi ji and Dilip ji. Wow. I think they deserve the star for the day. And Shaila ji, thank you. Suman ji, thank you. Aruna ji, thank you. Veena ji, thank you. And Uzi ji, aaya kijiye par Friday ko time pe.
थैंक यू फॉर कमिंग टुडे नहीं तो जूम से निकल जाओगे अब इनकी आदत हो गई है सबको इनको कैसे निकालेंगे उसी जी कुछ इनको टाइम आउट दे सकते हैं तो मैं अच्छा रश्मि जी आपको कुछ बोलना है उसी जी को बोलना है कि कुजाया जूम पे एग्जैक्टली अच्छा तो आई से गुड बाय टू यूट्यूब थैंक यू यूट्यूबर्स फॉर वाचिंग अस बाय 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 हियर वी गो बाय बाय गुड नाइट दैट्स द एंड ऑफ टुडेज रिकॉर्डिंग थैंक यू वेरी मच गुड नाइट ओके